कोरोना वायरस जब से COVID-19 डिजीज़ की प्रॉब्लम लोगों में आई है, कोरोना वायरस लोगों में संक्रमित पैदा कर रहा है, तब से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर बस एक ही चीज़ सुन रहे हैं, केवल कोरोना कोरोना कोरोना, COVID-19 डिजीज़ एक ही दिमाग में लग रहा है, बस कोरोना। और लोग इतना मतलब झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है, ये सच है वो सच है। लोग बस एक ही चीज़ को दिमाग में बैठा रखा है उन्होंने, और डर इसी की वजह से लोगों में कोरोना वायरस का डर बैठ गया है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लिस्ट जारी की है, उसमें बताया है जितनी भी जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर वो बिल्कुल ही गलत हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल मिथक हैं, झूठी हैं, उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और वो लिस्ट जो दी गई है, मैं उसको एक एक करके आपको बताता हूँ कि उस लिस्ट में किन किन बातों का आपको बताया गया है कि उन जो भी आपको अफवाहें सुनने को मिल रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सबसे मेन, सबसे पहला बताया गया है कि क्या सर्दी जुकाम खांसी कोरोना वायरस है। ये मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताएं कि ये सच में कोरोना वायरस है कि नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, कोरोना वायरस नहीं है। ज़रूरी नहीं है यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम हो रही है तो ये कोरोना वायरस हो। और यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ में यदि आपको खांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका SpO2 बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन आपको संदेह पैदा नहीं करना है कि आपको सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो कोरोना वायरस है। दूसरी मिथक, सबसे ज़्यादा जो अफवाह फैल रही है कि कोरोना वायरस लाइलाज है, जी नहीं, बिल्कुल भी कोरोना वायरस लाइलाज नहीं है, लेकिन ये छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो उस कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते हैं, ना ही बच्चे लड़ सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं बार बार हर वीडियो में इम्यूनिटी का बात करता हूँ, प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा हूँ, कि आपकी यदि प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होगा कोरोना वायरस से, और यदि आप किसी की इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है तो उसको बिल्कुल होगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप बुज़ुर्गों से दूर रहें यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चों से दूर रहें। और तीसरी, अगर आप बात करें जो सबसे ज़्यादा फैलाई जा रही है लोगों में, वो है कोरोना वायरस छूने से फैलता है, ये 50-50 बात हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित नहीं है उससे बिल्कुल भी आपको कोरोना नहीं फैलेगा, और यदि ये जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है वो 100% आपको कोरोना से इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंस का ज़रूर ध्यान रखें। अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है वो बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि यदि हम उसके संपर्क में आएंगे तो आपको कोरोना हो सकता है, यदि उसको कोरोना है। यदि कोरोना नहीं है तो उसको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप जागरूकता ज़रूर का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, जिससे कि आपको कोरोना संक्रमण ना हो। क्या हेयर ड्राई कोरोना का मार सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये मिथक है। हेयर ड्राई कोरोना को नहीं मार सकता है, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि कितने टेम्परेचर में, 35 में, 40 में कोरोना वायरस मर जाएगा, ये अभी तक कोई भी साबित नहीं हुआ है। इसलिए ये बात बिल्कुल झूठी है कि हेयर ड्राई आप कोरोना को मार सकता है, लेकिन आप हेयर ड्राई से बाल जरूर सुखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फैल रहा है कि अल्कोहल या दारू को पीने से कोरोना वायरस मर जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अल्कोहल लेने से कोई कोरोना वायरस नहीं मरता है, COVID-19 डिसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि यदि आप अल्कोहल से अगर आपके हैंड हाथ साफ करेंगे या फिर आप किसी और स्टेलाइज करने के लिए आप यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा काम होगा। यदि आपके पास अल्कोहल है, शराब रखी हुई है आपके पास में, तो आप पीने की बजाय आप सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, आप हाथ साफ करने के लिए उसे यूज़ करें, उससे बिल्कुल कोरोना वायरस मर जाएगा, ना कि पीने से मरेगा, ठीक है ना। क्या बुज़ुर्गों पर बहुत जल्दी हमला करता है कोरोना वायरस? बिल्कुल सही है, बुज़ुर्गों पर बहुत जल्दी हमला करता है कोरोना वायरस, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और वो किसी ना किसी मेडिसिन का पहले से यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको चलती रहती है, इसलिए जो कोरोना वायरस है
किसी भी तरह का वायरस हो वो उन बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। क्या जानवरों में भी कोविड 19 डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है? जी हाँ बिल्कुल, कोविड 19 डिसीज़ की प्रॉब्लम जानवरों में भी हो जाती है, जानवर भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। इससे जानवर और इंसानों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो जीवित व्यक्ति होते हैं जिनमें जान होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इससे, और जो वायरस होता है उनमें सबसे ज़्यादा जीवित रहता है। इसलिए जानवरों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है और इंसानों में तो होता ही होता है, इसलिए जानवरों से भी दूर रहें आप। और ये बिल्कुल सत्य है बात। क्या पार्सल के ज़रिए भी फैल सकता है कोरोना वायरस? जी हाँ बिल्कुल, पार्सल के ज़रिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि जो यदि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने उस पार्सल को छुआ है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो पार्सल आता है तो वो कोई ना कोई छूता ही है। यदि वो किसी वायरस से संक्रमित है या कोरोना वायरस से संक्रमित है तो बिल्कुल वो इन्फेक्टेड हो जाता है। यदि कोई पार्सल 2-4-6 दिन बाद आता है तो वो कोरोना वायरस से इतने ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर कोरोना वायरस रहता है तो वो मुश्किल से 12-24 घंटे के में ही जीवित रहता है, उसके बाद में मर जाता है। लेकिन यदि आपको पास कोई पार्सल आ रहा है तो आप ग्लव्स पहनकर ही उस पार्सल को खोलें और उसको अच्छे से सैनिटाइजर करके और आप यूज़ करें। तो मेरा बस आप सभी से ये अनुरोध है, कोई भी पार्सल या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे दूध भी यूज़ कर रहे हैं, और आप अखबार का तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें आप, क्योंकि हो सकता है वो किन किन हाथों से आ रहा है, किस इन्फेक्टेड लोगों को से निकल कर आ रहा है। और यदि आप दूध जो पैकेट वाला दूध का यूज़ करते हो तो आप एक बार अच्छे से सर्फ से उसको, या फिर हैंड वॉश जो होता है किसी भी साबुन से, आप उसको साफ करके ही यूज़ करें। क्या मोबाइल फ़ोन से भी फैल सकता है कोरोना वायरस? जी हाँ बिल्कुल फैल सकता है, क्योंकि यदि आपने किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को मोबाइल दिया है और वो आप वापस लेते हैं और उसको छूते हैं तो आप भी उस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यदि आप कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो गए तो आप वो लोगों को भी इन्फेक्टेड करोगे। इसलिए यदि आपने किसी, पहली बात तो आप किसी अपने मोबाइल को किसी और को देना, और यदि आप देते हैं तो उसको सैनिटाइजर से साफ कर लें उसको, या स्प्रिट से अच्छे से साफ कर लें जिससे वो वायरस मर जाए। क्या लहसुन प्याज खाने से नहीं होता कोरोना वायरस? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। यदि आप खाते हैं तब भी नहीं होगा, और यदि आप नहीं खाते हैं तब भी नहीं होगा। किस कंडीशन में? यदि आप संक्रमित व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, आप उससे संपर्क नहीं बनाएंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। और यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तब भी आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं या उसके टच में आते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस का इलाज गौमूत्र और गाय के गोबर से संभव है? जी नहीं बिल्कुल, ये झूठी अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है कि गाय के गोबर और गौमूत्र के यूज़ करने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये झूठी बात है, ये बिल्कुल गलत है। क्या गर्म मौसम और नमी में नहीं फैलता है कोरोना वायरस? जी नहीं बिल्कुल, ये झूठी बात है। अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है कि किस टेम्परेचर में कोरोना वायरस मर जाएगा, कि 30 में मरेगा, 40 में मरेगा, किस टेम्परेचर में कोरोना वायरस को मरना है। क्या गर्म पानी के नहाने से कोरोना वायरस मर जाता है? जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि गर्म पानी को नहाने से कोरोना वायरस मर जाएगा, क्योंकि किस टेम्परेचर में अभी तक साबित नहीं कर पाई है WHO, ये साबित नहीं कर पाए कि किस टेम्परेचर में ये मरता है। और आप कितने गर्म पानी से नहाएंगे, उसमें आप ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो हो सकता है आप चिक जाएं। केवल गुनगुने पानी से ही आप नहाने का यूज़ करें, इसलिए इस अफवाह से भी आप बचें, ठीक है ना। क्या थर्मल स्कैनर से कोरोना का संक्रमण का पता चलता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, थर्मल स्कैनर से कोरोना वायरस का पता चलता है। थर्मल स्कैनर केवल एक टेम्परेचर मापने की मशीन होती है जिससे टेम्परेचर का पता चलता है कि आपको तापमान कितना है, आपको बुखार तो नहीं है, और कितने डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर है। इस थर्मल स्कैनर से ये पता लगाया जाता है कि आपको फीवर है कि नहीं, क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं उसमें एक फीवर भी है, जिससे ये पता चलता है यदि आपको फीवर है
तो इससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये थर्मल स्कैनिंग की जांच की जाती है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में। क्या लौंग और तुलसी की चाय या काढ़ा पीने से आपको संक्रमित नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि लौंग और जो तुलसी होती है उसका काढ़ा पीने से संक्रमित नहीं होंगे, बल्कि वो एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए आपको ये लौंग और तुलसी की चाय पिए, जिससे आपको गले में खराश की प्रॉब्लम लग रही है या कोई खांसी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब भी पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, जिससे कि आपको किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है या किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो रहा है तो वो ज़्यादा असर ना दिखाए, तो आपको गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। यदि आपको वैसे भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, खांसी की प्रॉब्लम होती है, तो आपको यदि आप मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तब भी आप गुनगुना पानी का यूज़ करें, जिससे आपको जो बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं या फिर वो पनप नहीं पाते हैं या फिर जो उनकी सीमित जो क्षमता होती है जिंदा रहने की उससे वो कम हो जाती है। तो इसलिए गुनगुना पानी का ज़्यादा यूज़ करें। और वैसे भी अभी जो मौसम चल रहा है उसमें तो आप सभी को गुनगुना पानी पीना चाहिए, पूरे परिवार को गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह की खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश हो रही, फीवर आ रहा है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप ये जो सोशल मीडिया पे जो गलत अफवाहें फैल रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और सत्य की ज़रूर जांच करें, क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस जो गलत फहमी, जो गलत अफवाहें फैल रही हैं लोगों में, वो जागरूक हों। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।